हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशिएशन को समझेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बेसिकली मेजर करता है एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन कितना चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन इज ए मेजर ऑफ वन फंक्शन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन कितना चेंज हो रहा है उसी को मेजर करता है डिफरेंशिएशन। जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका कितना चेंज होगा उसको मेजर करेगा। जैसे इसको ये देगा एफ डैश एक्स चेंज करके, और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो दोनों फंक्शन एक ही क्वांटिटी होना चाहिए, एक्स एक्स में होना चाहिए। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। साइन एक्स, साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो करके कॉस एक्स देता है। यदि हम लोग इसको टी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो साइन एक्स डी टी, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी का नहीं है। तो इसको पहले सेम क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा, साइन एक्स बाय डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स एक्स्ट्रा लिख दिए हैं तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी लिखना पड़ेगा। एक्स एक्स वाला कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाय डी टी। तो साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में देता है कॉस एक्स, और डी एक्स बाय डी टी कभी चेंज ही नहीं होगा, दोनों अदर फंक्शन है। इसको और क्लियर करेंगे चैन रूल में। ये पहला एग्जाम्पल था। अब लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स चेंज होकर के देता है माइनस साइन एक्स। जितना भी सी से स्टार्ट होता है ना उसके आगे माइनस लगता है। यदि पूछा जाए डी बाय डी एक्स वन, वन एक कांस्टेंट नंबर है, ये कभी बदलता ही नहीं है, तो ये चेंज कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है। चौथा नंबर, यदि कोई फंक्शन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहेगा तो वो हमेशा वन देगा कट करके, या तो इसका फॉर्मूला भी होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। डी बाय डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स चेंज हो करके सेक स्क्वायर एक्स देता है। छठा नंबर, ये सब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो आप लोग को याद करना है। और सेक एक्स चेंज हो करके सेक एक्स इंटू टेन एक्स देता है। अब हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ये सब इसका फॉर्मूला है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स, लॉग ए एक्स पे पावर एन का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज इसका होता है, एन एक्स एन माइनस वन, और टेन इनवर्स एक्स का वन बाय एक्स स्क्वायर।
कॉट इनवर्स एक्स का सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 कॉस सेक का माइनस में 1 का किसी सी से स्टार्ट हो रहा है 1/√ मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस सेक का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है के इंटू एफ एक्स, तो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, एफ एक्स को उसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में 2 sin x, 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, 2 sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा 2 sin x का cos x। दूसरा प्रॉपर्टीज है यदि डिफरेंशिएशन एक से अधिक फंक्शन का करना पड़े, f1x1 + f2x + f3x से लेकर के fn तक x, तो सबको अलग अलग कर देंगे, d/dx डिफरेंशिएशन एफ एक्स प्लस d/dx f2x प्लस में d/dx f3x, ऐसे हम लोग n का तक करते जाएंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से एक समझते हैं इस सवाल को, यदि डिफ्रेंसिएशन दिया रहे साइन 2 sin x प्लस में 4x प्लस में 3x^5 का डेरिवेटिव, तो सबको अलग अलग पहले कर देंगे, d/dx 2 sin x का डेरिवेटिव प्लस में डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x^5 का, तो ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका निकालना है sin x का, प्लस 4 बाहर आएगा काई कांस्टेंट है dx/dt, यहाँ पे 3 dx/x^5, 2 sin x का cos x होता है, 4 कट करके 1 हो जाएगा, और 3 और x यहाँ पे दिया हुआ है n x/n, इसका डेरिवेटिव होता है n x n-1, तो n यहाँ पे कितना है 5, x 5-1, तो इसको फिर से एक बार लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस में 4 प्लस में 3 5x/4, तो ऐसे 3 5 कितना हो जाएगा 15, इसको लिख सकते हैं 2 cos x प्लस में 4 प्लस में 15x/4, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शन का, एक एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो पहला फंक्शन का छोड़ेंगे, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस में दूसरा फंक्शन को छोड़ेंगे और पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जिससे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल है डिफरेंशिएट ऑफ e^x sin x, यहाँ पे 2 फंक्शन है 1 और 2,
पहला फंक्शन को छोड़ेंगे और दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई पे पावर एक्स को छोड़े और डिफ्रेंशिएशन किसको करना है, साइन एक्स को। बाद में दूसरा फंक्शन को छोड़ना है और पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ई पे पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स। ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स। ई एक्स दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। ये हुआ आपका तीसरा प्रॉपर्टीज। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है, जब जब दो फंक्शन का डिवाइड में हो तब उसका क्या फॉर्मूला होगा। भी दूसरा फंक्शन को छोड़ना है, पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस में पहला फंक्शन को छोड़ना है और दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स रिस्पेक्ट में बाय दूसरा फंक्शन का होल स्क्वायर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला हो गया बाय बाय, तो पहला फंक्शन को छोड़ना है, दूसरा का डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस में डी बाय साइन एक्स को बाहर छोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है ई पे पावर एक्स का बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ई पे पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई पे पावर एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स कॉमन आएगा तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर हुआ। अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका यूज बहुत होता है। तो आओ हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब हम लोग पांचवा रूल पढ़ेंगे जो है चैन रूल। नाम से ही वाकिफ है, यहां फंक्शनों के चैनों का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो जैसे फंक्शन का चैन, बहुत सारा फंक्शन होगा उसका हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। हम लोग पहले एक सिंपल सा जो एग्जांपल लिए थे उसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पर जो एक्स रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जो यहाँ पर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो तब आता था कॉस एक्स। अब दूसरा जो एग्जाम्पल लिए थे, डी बाय बाय डी टी साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते हैं, क्या कि एक्स यहाँ पे एक्स नहीं है, इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाला जाता था, है ही नहीं। तो इसको हम लोग करते थे साइन एक्स बाय डी एक्स डी एक्स बाय डी टी, ताकि डी एक्स कट जाए तो साइन टी बाय साइन एक्स बाय डी टी बचे, तो तब एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ये कॉस एक्स हो जाता था और ये डी एक्स बाय डी टी। इसको और बढ़ाएं, जब हमको डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का यदि हमको बोले डिफ्रेंशिएट निकालने के लिए, डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, और इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसको डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे आप लोग भी देखिएगा कि ये एक चैन जैसा पढ़ने लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। जैसे एक और निकालते हैं,
डी वाई बराबर दिया है आपको, ऐसे आप बतलाते हैं, वाई बराबर दिया साइन ई पे पावर एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट एक्स तक करना है, तो हम लोग को डी यहाँ पे साइन ई एक्स स्क्वायर, यहाँ डिफ्रेंशिएट किससे करना पड़ेगा, पहले ई एक्स स्क्वायर से, फिर बाद में डी किसका निकालना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर का नीचे वाला लिखेंगे बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर बाद में इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का, ताकि ये कट जाएगा तो सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स बचेगा, तो साइन साइन का एक्स के साथ जो डिफ्रेंशिएट होगा वो कितना होगा, कॉस ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर ही होता है और एक्स स्क्वायर का 2x, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, 2x कॉस ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी ई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, और हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये क्वेश्चन चैन रूल पर बनेगा, इसका डी वाई बाय जो डी एक्स निकलेगा वो होगा डी एफ एक्स को वाई मानते हैं, डी एक्स सेक 10x एक्स रूट अंडर, और इसका डेरिवेटिव करना, सबसे पहले पहले सेक एक्स का होगा, इसका होगा डी बाय डी एक्स सेक 10 रूट अंडर एक्स, गुणा में होगा डी बाय डी एक्स 10 का चैन रूल से रूट एक्स, फिर गुणा में क्या होगा रूट अंडर एक्स का, फिर लास्ट में एक्स का, एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स कितना था 10 रूट अंडर एक्स, 10 रूट अंडर एक्स, उसके बाद 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स का 1, इसको एक तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 10 रूट अंडर एक्स, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो क्या होगा डी बाय डी एक्स वाई क्या होगा ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले ई पे पावर एक्स का निकलेगा, ई पे पावर एक्स एक्स का फिर से निकलेगा डी बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का निकलेगा डी बाय डी एक्स चैन रूल से, तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो हम लोग लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, चैन रूल में क्या होता है कि जितना फंक्शन है सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना होता है, जैसे और एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं, थ्री नंबर है वाई इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स डी बाय डी एक्स रूट अंडर साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा डी बाय डी एक्स रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव फिर में साइन एक्स का,
वन बाय रूट अंडर का होता है 2 रूट अंडर x इंटू 1 बाय साइन x का कॉस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस x बाय 2 रूट अंडर साइन x। यदि आप लोग फार्मूला नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और फार्मूला को याद कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग रूट अंडर साइन एक्स ई पे पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी डी एक्स वाई कितना है, लॉग रूट अंडर साइन और एक्स के बदले में ई पे पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो लॉग डी बाय डी एक्स, लॉग का पहले निकालेंगे रूट अंडर साइन, फिर में रूट अंडर क्या है ई पे पावर एक्स, डी बाय डी एक्स। अब निकालना है रूट अंडर साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव निकालना है साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव निकालना है रूट अंडर ई पे पावर एक्स का, फिर डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स। तो लॉग एक्स का क्या आता है, 1 बाय एक्स, तो एक्स कितना है रूट अंडर साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स बाई रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स कितना है साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स, साइन का क्या होता है कॉस रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर का फिर क्या होगा 1 बाय 2 रूट अंडर ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स। अब सबको एक जैसे लिख देंगे तो क्या होगा 1 बाय 2 रूट ई पे पावर एक्स और यहाँ से ई पे पावर एक्स हो जाएगा, फिर कॉस रूट अंडर ई पे पावर एक्स, फिर 1 बाय 2 साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स, 2 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा ई पे पावर एक्स बाय ई पे पावर, यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा कॉस रूट अंडर ई पे पावर एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन रूट अंडर ई पे पावर एक्स। यही इसको और भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 रूट अंडर ई पे पावर एक्स कॉस बाय साइन कॉट रूट अंडर ई पे पावर एक्स, आंसर हो जाएगा यही। आई होप हम आप लोग को डिफ्रेंसिएशन का प्रॉपर्टीज और उसका डिफिनेशन समझा सके। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए।